परमेश्वर चाहते हैं आप राज्य करें। मसीह हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर धर्मी है पापियों को धर्मी बनाने में। में लिखा राज्य प्रस्तुत करते हैं उस युद्ध भूमि का अखाड़ा, उस जगह जहां शैतान का आक्रमण आपके खिलाफ आता है, वो है आपका मन। आमीन। ये जान लिया तो आधी लड़ाई जीत ली। परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी सोच समृद्ध हो। परमेश्वर से मांगे कि वो आपके मन को पवित्र आत्मा की धुलाई प्रदान करें। आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। क्या वचन के लिए तैयार है? ठीक है प्रभु। तो अब सुनिए, कुछ लोगों की ये धारणा है कि विश्राम का मतलब है कि लेटे रहना या अपनी मसाज चेयर पर लेटे रहना, कुछ ना करना, शारीरिक रूप से रिलैक्स रहना, और उसमें कुछ मात्रा में रिलैक्सिंग हो सकते हैं आप उस स्थिति में आपके विश्राम से पहले। पर परमेश्वर इसका हवाला नहीं दे रहे। परमेश्वर आंतरिक विश्राम की बात कर रहे हैं, ना ही उनका काम शारीरिक काम, जैसे कि आप काम करते हैं कि शारीरिक रूप से काम करना, बाहर काम करना। पर क्या आपको पता है कि आप किसी भी कुर्सी पर आराम से बैठे हो सकते हैं, आप अपनी मसाज चेयर पर हो सकते हैं, आप अपने बिस्तर पर लेटे हो सकते हैं, पर आप फिर भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप आराम करते हुए काम कर सकते हैं। आप देखना चाहते हैं कि काम असल में कहाँ से शुरू होता है? देखना चाहते हैं? हामी, मैं आत्मिक तौर पर दिखाना चाहता हूँ कि विश्राम कहाँ से शुरू होता है। हालेलुया। उस युद्ध भूमि का अखाड़ा कहाँ है? आप जानते हैं आपका एक शत्रु है, शैतान आपसे नफरत करता है, और परमेश्वर आपसे गहरा प्रेम करते हैं। ऑलराइट, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें शस्त्र दिए हैं, पर पहले युद्ध भूमि की अखाड़ी की तरफ देखें जहां से ये युद्ध शुरू होता है, 2 कुरिन्थियों 10। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। आपको पता है 80 के दशक में कैरिस्मैटिक्स, उनका एक गाना था कुछ इस तरह, गढ़ों को नीचे लाना, स्वर्ग से उन्हें नीचे लाना, उत्तराधिकारी की सामर्थ जुटाना, क्योंकि उन्होंने ये प्रेस सुना था शैतान सामर्थ का राजकुमार है उत्तराधिकारी में। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें उत्तराधिकारी के पास जाना होगा शैतान को बांधने के लिए। तो उस समय के दौरान वो हेलीकॉप्टर किराए पे लेते थे और ऊंचा उड़कर जाते थे, और फिर वो शैतान को बांधना शुरू करते थे, या फिर किसी गगनचुंबी इमारत पर जाते थे और वहां जाकर लड़ाई शुरू करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जितना ऊंचे आप होंगे, जितने ऊंचे स्तर पर, उतनी लड़ाई करना आसान होगा। अब क्या ये मजाक की बात नहीं कि यीशु कभी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे थे और उन्होंने कहीं ज्यादा शैतान बांधे किसी और जीवित व्यक्ति के मुकाबले? आमीन। उन्होंने ज्यादा परिणाम लाए जितने की सारे कैरिस्मैटिक्स नहीं ला पाए। आमीन। अब बाइबल की गलत व्याख्या है, वो ऐसे वचन लाते हैं जैसे गढ़ों को बांधना, पर ये भूल जाते हैं कि ये फुल स्टॉप नहीं है, ये एक सेमीकोलन है, जिसका मतलब है कि परमेश्वर अभी भी बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह में आज्ञाकारी बना देते हैं। कहिए सोच, कहिए कल्पनाएं, हर एक भावना को कैद करके मसीह में आज्ञाकारी बनाते हैं। यह हमें स्पष्ट बताती है कि उस युद्ध भूमि का अखाड़ा, वो जगह जहां शैतान अपना हमला लॉन्च करता है आपके खिलाफ, आपके मन में है, आपके मन में है, आपकी कल्पनाओं में है, आपके विचारों में है। आमीन। अगर आपने ये जान लिया तो आधी लड़ाई जीत ली आपने। प्रभु की स्तुति हो। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, 3 यूहन्ना 2 बहुत स्पष्ट है। मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसा ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, भला चंगा रहे। और इस तरह देखिए, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मुझे पुराना किंग जेम्स बहुत पसंद है, चाहे तू आत्मिक उन्नति कर रहा हो, इसका मतलब है तू हर बात में उन्नति करेगा, तू स्वस्थ रहेगा, चाहे तेरी आत्मिक उन्नति हो रही हो। दूसरे शब्दों में आपकी आत्मा क्या है? आपका मन, आपकी इच्छा, आपका मन, आपकी भावनाएं। अब परमेश्वर कह रहे हैं कि आपकी सोच स्वस्थ होनी चाहिए इससे पहले कि स्वास्थ्य आपके शरीर में प्रकट हो। आपकी सोच समृद्ध होनी चाहिए इससे पहले कि आप बहुतायत को देखें अपने हालातों में। ये सब बाहर से शुरू होता है। आप कभी समृद्ध नहीं होंगे अपनी आत्मा की समृद्धि से बढ़कर। परमेश्वर चाहते हैं कि आप समृद्ध हो, आप अच्छा स्वास्थ्य पाएं,
तब भी जब आपकी आत्मा समृद्धि पा रही हो, तब भी जब आपकी भावनाएं और सोच समृद्धि पा रही हो। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक बात आती है मन की आत्मिक समृद्धि पाने, मेरा मन काफी समृद्ध है। मैंने परमेश्वर से कहा मुझे एक प्रॉब्लम है, वो है भावनाओं में। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी भावनाओं में, बल्कि वो है तुम्हारी सोच में। क्योंकि तुम्हारी भावनाएं काफी स्तर तक निर्भर करती हैं तुम्हारी सोच पर। और आपको पता है कि परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया है कि हम अपनी सोच को पहचान सकते हैं, वो है अपनी भावनाओं से। आपके अंदर जब भी नकारात्मक भावनाएं जागे जिससे आप कंफर्टेबल ना हो, तो आप बस ये सोच के देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि धन्यवाद करें प्रभु का कि आपके अंदर भावनाएं हैं। यहां तक कि नेगेटिव इमोशंस भी उस हवा के झोंके की तरह है जो आपको वार्न करता है। मैं तो कहूंगा प्रभु का धन्यवाद करें कि उन्होंने आप में नेगेटिव इमोशन जगाए, ताकि वो आपको बता सके कि आप क्या सोच रहे हैं उस क्षण में। क्या अपनी बात सुन रहे हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी सोच समृद्ध हो। समय आ गया है कि आपकी सोच को धो दिया जाए, उसी तरह जिस तरह पाप धो दिए गए यीशु के लहू द्वारा। परमेश्वर से मांगे कि वो आपकी सोच को भी इसी तरह धो दें। इस तरह की सोच को बाहर फेंक डालिए जैसे कि बीमारी, जैसे कि दुख, जैसे कि ईर्ष्या, बदला, नफरत, इन सबको अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, वो भी यीशु के नाम पर। और सभी ने कहा आमीन। बाइबल में लिखा है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें और ये सब वस्तुएं तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगी। पता नहीं आपने इसके बाद वाले वचन को पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद वाला वचन हमें बताता है कि इसलिए एक तरीका है जिससे परमेश्वर का राज्य खोज सकते हैं, वो उसके बाद वाले वचन में है जिसमें लिखा है इसलिए, और ये इससे पहले वाले वचन में है, इसलिए कल की चिंता ना करें क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन। जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज पहले करते हैं, वो ये भी है कि हम कल की चिंता ना करें, परमेश्वर के राज्य को जिए आज में। आमीन। यीशु कहते हैं कल की चिंता ना करो, और इसीलिए आप आराम से बैठे हो सकते हैं अपनी चेयर पर शारीरिक रूप से कुछ ना करते हुए, और फिर भी आप काम कर रहे हो सकते हैं। कहां? अपने मन में। यीशु ने कहा पहाड़ी उपदेश पर चिंता मत करो, समझे? कई बार हम रोक नहीं सकते विचारों को अपने मन में आने से, अपने मन में घुसने से, पर जिस तरह से आप विचारों को लेते हैं, उन विचारों को ये कहकर ना ले इसलिए तुम चिंता करके ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। यीशु कहते हैं इनकी चिंता ना करो, हर दिन के संदर्भ में कल की चिंता मत करो। परमेश्वर अपना अनुग्रह एक दिन के लिए ही देते हैं। आमीन। अभी के लिए पर्याप्त अनुग्रह है आज के लिए। असल में परमेश्वर ने मुझसे कहा कि गिनो कि कितनी बार मैंने कहा है कि चिंता मत करो, और मैंने गिना, चिंता मत करो, 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 उसी पहाड़ी उपदेश पर, और अंतिम बार कल की चिंता मत करो। आमीन। 5 बार जो अनुग्रह का अंक है, आज के लिए आज का अनुग्रह काफी है, कल के लिए कोई अनुग्रह नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। ना ही आपके लिए अच्छा है कि भविष्य में देखें और कहने लगे काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने ये ना कहा होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता। वो चला गया, वो चला गया, वो कल था, वो चला गया, पिछला महीना चला गया, पिछला साल चला गया। जो भी गलतियां आपने की हैं उनसे सीखें। धन्यवाद करें परमेश्वर के यीशु के लहू के लिए जो हमें आशा प्रदान करता है, जिसने हमें धो दिया है हमारे अतीत के पापों से, और वर्तमान में हमें उम्मीद देता है। अपनी गलतियों से सीखें पर पछताए नहीं। दोष भावना में जीना छोड़ दें, वो बीत गया है। इसराइल की संतान, उनके मंदिर बाहर से, मंदिर का बाहरी भाग बहुत ही व्यस्त 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 था। वे जानवर काट रहे थे, वो बलि का शिकार लगा रहे थे, बलि का प्रबंध कर रहे थे, इस बात का ध्यान रख रहे थे कि खून को धो दिया गया है, पंख इकट्ठा कर रहे थे, वो राख रखने की जगह, उसका सामान रखना, वो बहुत ही व्यस्त रहते थे। सभी लेवी और याजक बिजी 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 रहते थे, पर परम पवित्र स्थान पर जहां परमेश्वर रहते थे संपूर्ण खामोशी, जहां परमेश्वर का वास था। इसलिए आज परमेश्वर इंसानी हाथों से बनाए गए मंदिरों में नहीं रहते हैं, वो हम में रहते हैं, हम उनके मंदिर हैं। हम चाहे बाहर से बहुत व्यस्त रहें, लेकिन अंदर जहां परमेश्वर रहते हैं वहां होनी चाहिए संपूर्ण शांति। आमीन। एक बहुत ही दुख वाली बात जो मुझे पता चली है मसीह की देह में, और ये मैं बहुत ही जेनेरिक रूप से कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में वो ये है कि कलीसिया जोर देती है नैतिकता और एथिक्स पर। ये अच्छी बात है, पर सदस्य नैतिकता के वचन जानने लगते हैं अंत में। मेरे ख्याल से हमें विश्वास के वचनों पर जोर देना चाहिए, शांति के वचनों पर,
वचन जैसे कि यशाया 26 वचन 3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। यशाया 30 वचन 15 में लिखा है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। इन पर ध्यान लगाएं, खासकर जब आप सुबह उठते हैं इन वचनों का खुद को हवाला दें, क्योंकि ये विचार परमेश्वर के वचन से हैं, वे परमेश्वर के विचार हैं। यदि आप परमेश्वर के विचार बोलते हैं और सोचते हैं ऑलराइट, तो वे निकल जाएंगे, नकारात्मक विचार, काले विचार। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। वो पहला स्थान कहां है? विश्राम का, हमारे मन में। और पुराने नियम के याजक यहेजकेल 44 में परमेश्वर कहते हैं कि वे उनके कपड़े ना पहने, वे सन के वस्त्र पहने, वे उनके वस्त्र ना पहने, क्यों? क्योंकि उनसे पसीना आता है। वे सर पर सन की सुंदर टोपियां पहने। वो कौन सा क्षेत्र है जिस पर परमेश्वर जोर देते हैं? वो ये है कि वो सनी के कपड़ों की टोपियां अपने सर पर पहने, वो सन के कपड़े की टोपियां अपने सर पर पहने। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि वो कोई भी ऐसा वस्त्र ना पहने जिससे उन्हें पसीना आए। पसीना नहीं आना चाहिए। अब बाइबल में पसीना शाप है मनुष्य के श्रम का। ये हुआ था, बाद में हुआ था, ये वो शाप नहीं है। यानी कि आपकी जो नौकरी है वो शाप नहीं है। परमेश्वर ने पहले मनुष्य को कार्य दिया था, उससे पहले उसका पतन हुआ और शाप आया। वो काम था बाग की देखभाल करना। इसे देखा जाए तो काम शाप नहीं है। शाप वो है जो परमेश्वर ने आदम से कहा उसके पतन के बाद, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। दूसरे शब्दों में, जीवन की अच्छी चीजें आप तक नहीं आएंगी परमेश्वर के आशीष के आधार पर आसानी से। आज के बाद ये सब तेरे पसीने पर निर्भर करेगा, तेरे श्रम पर। कितने ये समझते हैं? तो सबसे पहला क्षेत्र जहां परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिलाया, इससे पहले कि उन्होंने क्रूस पर हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाया, वो ये था कि उन्होंने हमें बीमारी से छुटकारा दिलाया उस कोड़े खाने वाले खंभे पर, उसे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। पर इससे पहले कि वो हमें बीमारी से छुटकारा दिलाते उस कोड़े खाने वाले खंभे पर, पहला क्षेत्र जहां उन्होंने हमें छुटकारा दिलाया वो था वो बाग। वहां उन्होंने हमें किससे छुटकारा दिलाया? सबसे पहली बार उन्होंने लहू बहाया था, बिल्कुल पहली बार। वो कहा था, इससे पहले कि उन्हें मारा पीटा गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्होंने खून पसीने में बहाया, वो था बाग में। और चलिए पढ़ते हैं लूका 22 वचन 44। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था, जिसे परमेश्वर ने शाप दिया था। तो उनका पसीना लहू समान गिरा। और डॉक्टर हमें बताते हैं कि केवल अत्याधिक तनाव में ही आपकी कैपिलरीज फट जाती हैं और वे पसीना बनकर आपकी ग्लैंड से बाहर आ जाती हैं और खून पसीने के रूप में बाहर आता है, भूमि पर गिरता है। और यही हुआ था। तो जब पसीना आया यीशु को, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं या कुछ और करते हैं, तो कहां वो कौन सी एनाटॉमी, आपकी एनाटॉमी का कौन सा हिस्सा ऑलराइट सबसे पहले और सबसे ज्यादा पसीना उत्पन्न करता है? चलिए बताइए मुझे, आपका सर, राइट? वहां से पसीना टपक रहा होता है, राइट? है कि नहीं? और यही वो क्षेत्र है जहां सबसे पहले यीशु ने हमें छुटकारा दिलाया, हमारी सोच। इसलिए चाहे आप कहीं स्थिर हो, फिर भी आप मानसिक कार्य से भरे हो सकते हैं। ये कहलाते हैं चिंता, डर, तनाव में रहना, परेशानी में रहना, चिंता से भरे रहना और ये रवैया रखना कि इससे भी बदतर होने वाला है। बाइबल में लिखा है कि उद्धार की आशा पहन लो एक टोप के रूप में। आशा का ग्रीक शब्द है एल्पेस, ये है अच्छाई की निश्चित अपेक्षा। आमीन, आपको हमेशा यही सोचना चाहिए कि कल अच्छाई की निश्चित अपेक्षा होगी। आमीन, ये आपके मन में ही शुरू होता है। विजय आपके मन में ही शुरू होती है, सेहत आपके मन में ही शुरू होती है, इससे कहीं पहले कि ये सब आपके शरीर में प्रकट हो। अगर इतना ही काफी नहीं था, उन्होंने एक और बात की उनके साथ और वो ये था कि उन्होंने एक ताज लिया कांटों का और उन्होंने उसे उनके सर पर ठूस दिया और इसके उनके माथे से और ज्यादा लहू टपकने लगा। इससे उन्होंने हमें एक और श्राप से मुक्त किया, वो है शापित सोच। आपको पता है कि बीज बोने वाले के दृष्टांत में कांटे दर्शाते हैं इस जीवन की चिंताएं। जब उन्होंने कांटों का ताज उनके सर पर दबाया, उन्होंने हमें एक और शाप से छुटकारा दिलाया। वो शाप है जो है चिंता, भय, नकारात्मक सोच। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो है न्यू एज थिंकिंग। न्यू एज थिंकिंग लहू को लांग जाती है, वो क्रूस को लांग जाती है। वो आपको बताते हैं कि बढ़िया सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने हृदय के अंदर आप जानते हैं कि जीवन में अच्छी चीजों के लिए एक दाम चुकाना पड़ता है, या तो आप इसे चुकाएं या कोई और इसे चुकाता है। और आप अपनी अंतरात्मा से भाग नहीं सकते। ये एक परमेश्वरीय
क्षमता है जो परमेश्वर से मनुष्य को मिली है। ऑलराइट, ये क्षमता हर एक के पास है। मैं न्यू थिंकिंग की बात नहीं कर रहा। दूसरी ओर आप ये मत भूल जाइए कि आपके पास एक मन भी है, आपको एक मन भी दिया गया है, और यही है जहां सब कुछ शुरू होता है। जो मनुष्य सोचता है वही होता है अपने मन में, वैसा ही वो होता है। सोचने का स्थान, आपको पता है पश्चाताप ग्रीक में है मेटानोया, बदलाव, नोया है मन। इस समय जब मैं उपदेश दे रहा हूं, परिवर्तित हो रहे हैं मन नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग पर, आमीन, कचरे की सोच से स्वर्गीय सोच पर, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, आमीन। सोचिए कि सर्वोत्तम ही होगा जब आप सुबह उठते हैं तो बाइबल के विचार सोचे, यही वो दिन है हम आनंदित होंगे। जी हाँ, आमीन, क्योंकि ये वो दिन है जब आपको आनंद मिलेगा। सिर्फ सोचिए मत, इसके बारे में इकरार मत कीजिए जब तक आप इसे समझ नहीं सकते। ये मत सोचिए कोई जादू की छड़ी है, हम ये सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन ये एक खाली सीप की तरह है, इसमें कोई सामर्थ नहीं है। ये मन में शुरू होता है, फिर बोलों पर लाइए। क्या आप सुन रहे हैं चर्च? आमीन। यही वो दिन है, आप सोचकर देखिए, अगर यही वो दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है तो आप इसे शाप से कैसे भर सकते हैं, नकारात्मकता से? आमीन। मेरा मानना है कि चाहे बुरी बातें हो रही हो लेकिन परमेश्वर उसे भलाई में बदल देंगे, क्योंकि उन्होंने ये दिन मेरे लिए बनाया है। यही वो दिन है जब हम आनंदित होंगे, परमेश्वर ने ये दिन बनाया है आनंदित होने के लिए। आमीन। अपने बच्चों को ये वचन सिखाइए। लेकिन पास्टर प्रिंस, आपको नहीं लगता कि वो बहुत छोटे हैं इतने लंबे लंबे बाइबल के इतने वचन पढ़ने के लिए? आपको नहीं लगता कि शैतान सोचता होगा कि ये प्रोनोग्राफी के लिए बहुत छोटे, या गालियां सीखने के लिए बहुत छोटे हैं? शैतान उन्हें फिर भी उन पर थोप देता है। आमीन। आपको पता है शैतान छोटा बच्चा बनकर आपके बच्चों को ये सब नहीं सिखाता है? या जब परमेश्वर ने आपके बच्चों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया तो वो कोई छोटे पवित्र आत्मा नहीं थे? आमीन। आपको विश्वास रखना होगा बीज के सामर्थ पर जो परमेश्वर का वचन है। समय आ गया है कि हम अपने बच्चों में परमेश्वरीय विचार डालें, विजय के विचार, जीतने के विचार, सेहतमंद विचार। आमीन। अपने बच्चों को बीमारी के बारे में ना सिखाएं, कमियों के बारे में ना सिखाएं। अगर आप कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, लेकिन शट अप, इस बारे में बात ना करें। अपनी पत्नी से बाद में डिस्कस करें इसके बारे में। उन्हें पॉजिटिव सचेतना में बड़ा होने दें कि परमेश्वर सब कुछ देते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने विचारों पर पहरा दें और आप ये विरासत देंगे अपने बच्चों को जीवन भर के लिए। आमीन। आमीन। और जब उन्होंने वो कांटों का ताज यीशु के सर पर ठूस दिया तो कीमत चुका दी गई हम सब के लिए, कि हम पाए परमेश्वर की शांति जो पूरी मानवीय समझ से परे है, हमारे हृदयों के विषय में और हमारे मनों के। क्या आप जानते हैं कांटे क्या होते हैं? आपको पता है कांटे असल में पत्ते होते हैं, पत्ते। आप न्यूजीलैंड जैसे गीले प्रदेश में कांटे नहीं पा सकते जहां बहुतायत होती है नमी की। आप इसे सूखे और बंजर प्रदेश में ही पा सकते हैं, जैसे इसराइल के कुछ खास इलाकों में, जैसे कि एंगेदी। क्यों? क्योंकि वहां पत्तों को नमी सोखने के लिए अपने आप को मोड़ना पड़ता है, इतना टाइट कि वो पानी को, नमी को अपने अंदर रख सके, और वो कांटे बन जाते हैं, इसलिए वो कांटे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में, मुझे नहीं पता कि किस इलाके में कांटे हैं, पर चले आइए परमेश्वर के पानी के भंडार में, आते रहिए वचन के जल में। हालेलुया। जितना ज्यादा वचन का पानी आप पर छिपता जाएगा, उन सभी कांटेदार हिस्सों पर बजाय कांटों के वहां फूल होंगे, यीशु की महिमा करते हुए। हालेलुया। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। तो उन्होंने घोंप दिए कांटे यीशु के सर पर, और उन्होंने हमें छुटकारा दिलाया उन सभी बातों से जो है तनावपूर्ण, दबाव भरी सोच से, नकारात्मक सोच से, निराशावादी सोच से। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आपको पता है आप अपनी सोच पर कैसे पहरा दे सकते हैं? वैसे आप अपनी सोच पर पहरा नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं अपनी भावनाओं पर। जैसे ही नकारात्मक सोच आपके मन में आए, कहिए ये मैं क्या सोच रहा हूं। आपको बहुत ही अच्छा तरीका सिखाने वाला हूं मैं। जानते हैं कई लोग मिसाली जीवन नहीं जीते, वो बस अपना जीवन जीते हैं। इससे मुझे गुस्सा दिला, उससे मुझे गुस्सा दिला, आज मौसम अच्छा नहीं इसलिए मैं उदास हूं। बाइबल में लिखा है कि जब तक आप एक बालक के समान ना हो जाए आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अच्छा होता है विश्वास का जीवन जीना, परमेश्वर पर विश्वास का, यह विश्वास करना कि अगर किसी का इरादा नेक नहीं भी है तो परमेश्वर उसे संभाल लेंगे। इतना अच्छा होगा ना बालक रहना। आमीन। मैंने परमेश्वर से मांगा, पता है पिछले साल मैंने उनसे मांगा, मैंने कहा प्रभु मैं नए जमाने का नहीं लगना चाहता। ऑलराइट, क्योंकि नए जमाने में क्रूस को बाईपास कर देते हैं, यीशु के लहू को बाईपास कर देते हैं। नया जमाना वो कहता है कि पॉजिटिव सोचते रहो,
बस इतना ही काफी है। बहुत से लोगों ने ऐसी कोशिश की पर वो मुंह के बल गिरे, क्योंकि पाप वास्तविक है, शैतान वास्तविक है, नकारात्मक सोच बहुत शक्तिशाली है। परमेश्वर का अनुग्रह लगता है हमें बदलने के लिए। बिना यीशु के लहू के आप खुद में पॉजिटिव थिंकिंग की मानसिकता नहीं डाल सकते। ऑलराइट, सकारात्मक मन हमारे लाया गया था यीशु के लहू द्वारा। आमीन, आमीन, प्रभु की स्तुति हो। पता है अपनी सेहत के बारे में ज्यादा चिंता ना करें। अगर आपको यहाँ वहां थोड़ा दर्द हो रहा है, ये बहुत नॉर्मल है। सेहतमंद लोगों को भी दर्द होता है यहाँ वहां, इसका मतलब ये है कि वो बहुत एक्टिव है। वेरी गुड, आमीन। अगर आप अपने आप में गलतियां ढूंढ रहे हैं तो खुद को दबाएं, आपकी गलतियां आपको मिलेंगी। परमेश्वर ने आपको बनाए इसलिए। आपको पता है आपके इम्यून सिस्टम में लिम्फ नोड्स होते हैं। बहुत से लोग लिम्फ नोड्स की व्याख्या ग्रोथ के रूप में करते हैं। आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद करें आपके शरीर में लम्प्स हैं, उनका धन्यवाद करें। आमीन, पर क्या होगा अगर आपके लम्प्स नहीं होते तो? अगर आप में ही नहीं होते, आपको कैसे पता चलता? सोच कर देखिए, इसे माने, इसे बोले, परमेश्वर आपके साथ है, आपको ये नहीं होगा, फला फला आपके साथ ये करता है। आपको पता है अगर आप ये सोचेंगे नहीं तो आपके विश्वास द्वारा आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने मन को बचाएं। अंतिम बात जो मैंने प्रभु से पूछी वो ये थी कि प्रभु मुझे एक और वचन दीजिए, प्रभु मुझे एक और वचन दीजिए कि मैं लोगों को सिखा सकूं कि ये सब शुरू होता है आपके 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 मन से ही। और तभी मुझे उन्होंने दिखाया, मैंने कब समय में देखा कि यीशु का लहू पहले बहाया गया हमें छुटकारा दिलाने के, हमारे मन से उन्होंने खून का पसीना बहाया। और मैंने कहा मुझे एक और वचन दीजिए, दो या तीन गवाहियों में हर कामना कायम की जा सकती है। और ये था जो उन्होंने दिया, और मैं इसे समाप्त करूंगा। वे यीशु को गुलगुत्ता नामक जगह पर, जिसका अर्थ है खोपड़ी की जगह, लाए। पवित्र आत्मा ने इसका आपको अनुवाद भी करके दिया है। यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए खोपड़ी वाली जगह पर, ग्रीक में, ग्रीक कैलवरी में यह है, ये शब्द है क्रेनियम, आपके सर के लिए। और ये खोपड़ी क्यों है? खोपड़ी आपकी सोच दर्शाती है, खोपड़ी का मतलब है मौत। वो क्रूस पर चढ़ाए गए आपकी घातक सोच वाली जगह पर, जहां आपका संपूर्ण यीशु का पूरा हुआ कार्य स्पर्श करना चाहिए। वो पहला हिस्सा जहां पर उसे छूना चाहिए वो है आपकी खोपड़ी। कई लोगों की खोपड़ी बहुत मोटी होती है, लेकिन यीशु का क्रूस उसे तोड़ देगा। हालेलुया, आमीन। आपको अपनी खोपड़ी पर क्रूस लगानी होगी, आमीन। अपने पड़ोसी की तरफ देखिए और उसी खोपड़ी पर मार कर कहिए, यही वो जगह जहां से शुरू होता है, आमीन। चलिए, हालेलुया। और याद रखिए, आयतों को याद रखिए, यशाया 26 वचन 23 में जो लिखा है, उसकी तू पूरी शांति से रक्षा करता है। यशाया 30 वचन 15, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जिसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम ना डरो। परमेश्वर ऐसा नहीं होने देंगे, यीशु ऐसा नहीं होने देंगे, पास्टर प्रिंस ऐसा नहीं होने देगा कि आप अपने मन को व्याकुल करें। और पता है परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा था कि आप अपने बच्चों और परमेश्वर की सुरक्षा करें। उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि आप अपनी सेहत की सुरक्षा करें, या अपने पैसे की, या अपने करियर की सुरक्षा करें। वो कहते हैं अपने हृदय की सुरक्षा करो, आपका हृदय व्याकुल ना हो। परमेश्वर आपके परिवार की सुरक्षा करेंगे, आपकी सेहत की सुरक्षा करेंगे, आपके करियर की सुरक्षा करेंगे, आपके पैसे की सुरक्षा करेंगे। परमेश्वर बाहरी हर चीज से आपकी सुरक्षा करेंगे। हालेलुया, आप अपने हृदय की सुरक्षा कीजिए, आमीन। हालेलुया, यीशु के नाम की स्तुति हो। जब आप यीशु को देखते हैं उस महान मैं हूँ के रूप में, वो बन जाते हैं। वो सचमुच ये पाया कि मैं उसके प्रिय हूँ, उन्होंने सचमुच मुझे मुक्त किया है परमेश्वर के साथ मेरे चलन में। ये कमाल का है, ये कंटेजियस है, हम इसे रोक नहीं सकते। अनुग्रह के अंतर्गत मैं कृपालु रहूंगा तुम्हारे अधर्म के प्रति, और तुम्हारे पाप में मैं स्मरण नहीं रखूंगा। यहाँ एक बदलाव हुआ है, यहाँ एक बदलाव हुआ है चर्च, और ये सब हुआ है यीशु की बदौलत। आप जिस ओर से भी यीशु को देखते हैं, आप देखते हैं सुंदरता, आप देखते हैं तेज, आप देखते हैं आत्मता। हालेलुया, वो संपूर्ण रूप से सुंदर है। बाद एक अपराध के शाप पड़े यीशु पर, और उन्होंने परमेश्वर की सारी दंडाज्ञा खत्म कर दी मसीह में, और ये पूरा हुआ। हालेलुया, पुकारिए उनका नाम, चिल्लाइए उनका नाम। सहायक होंगे। और याद रखिए, आपको अत्यधिक आशीष, असीम अनुग्रह और गहरा प्रेम मिला है। जोसेफ प्रिंस मिनिस्ट्रीज का मानना है कि आपका दशमांश आपके स्थानीय चर्च को जाना चाहिए। आपका मिनिस्ट्री को डोनेशन चंदे के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जो कृपा के सुसमाचार के प्रचार की मदद के लिए होगा। आप महान आशीष, अत्यधिक अनुग्रह और गहरा प्रेम पाएंगे।